हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित, आप देख रहे हैं अमित टेक रिपेयर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन अगर आपका वाटर डैमेज है किसी भी तरीके से, तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, हमारा ये फ़ोन है जो कि कस्टमर ने जस्ट अभी हमें दिया। ये फ़ोन पानी में गिर गया है, इसके बाद तुरंत हमारे पास फ़ोन लेके आए हैं। तो हम जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं, यहाँ पर पानी जा चुका है सिम ट्रे के अंदर, इसका मतलब बोर्ड में पानी पहुँच चुका है। तो इस वीडियो में देखेंगे, कोई भी आपके पास एंड्रॉयड वाटर डैमेज फ़ोन आता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ कहाँ इसके पानी को क्लीन करना है, किस तरीके से सफाई करनी है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके से और भी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी पानी थे हमको अच्छे तरीके से किसी भी सूती कपड़े से, इस तरीके से क्लॉथ से साफ़ कर लेना। तो हमने ऊपर से जितने भी हमें पानी दिखाई दिए उसको हमने साफ़ कर लिया। जल्दी से हम फ़ोन को बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा फ़ोन जो है बंद चालू यानी ऑन ऑफ हो रहा है। इससे पहले कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो, उससे पहले हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब फ़ोन के मेन बोर्ड को हम ओपन करेंगे। यहाँ पर मेन बोर्ड को हमने ओपन कर लिया है, सिंपल से सारे स्क्रू को ओपन करना है। ये फर्स्ट टाइम फ़ोन ओपन हो रहा है मेन बोर्ड, इसके पहले ओपन नहीं होता, सील भी लगा हुआ था। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इस तरीके से। अब इसके बाद सारे कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करना है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ भी पानी है, काफ़ी ज़्यादा वाटर देखने को मिल रहा है हर जगह पे। तो सारे स्क्रू मैंने निकाल लिया। अब सिंपल से बड़ी आसानी से आपको आराम से इसके जो बोर्ड को, मेन बोर्ड को निकालना है। तो मैं यहाँ से इसके मेन बोर्ड को निकाल लेता हूँ। तो फाइनली निकल गया, यहाँ पर भी देख सकते हैं पानी है, साथ ही साथ बोर्ड पर भी पानी दिखाई दे रहा। तो मैं कैमरा वगैरह सारा कुछ निकाल लेता हूँ उस बोर्ड से। अभी हमें ये देखना है कि ऊपर से मैं सुखा लेता हूँ। अब इसके अंदर जो मेन CPU वगैरह है उसके पास तो कहीं पानी नहीं गया, इसको भी देखना रहेगा। तो आप देख सकते हैं, पहला पत्रा हमने नेटवर्क सेक्शन का हटाया और यहाँ मेन CPU का सेक्शन का भी हमने हटा दिया। यहाँ पर भी कोई पानी हमें दिखाई नहीं दिया, यानी कि मेन बोर्ड तक यानी CPU तक हमारा पानी नहीं पहुँचा है। यहाँ पर ऊपर से जो कैमरे वगैरह हैं, ईयरफोन जैक, इन सभी में हमें वाटर देखने को मिला है। तो सबसे पहले आपको कोई थिनर यूज़ करना है, आप पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पेट्रोल यूज़ कर लिया, इसलिए कि पानी के साथ पेट्रोल मिक्स होकर के हवा में उड़ जाएगा और मेरा अच्छा खासा सूख जाएगा। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर ब्लोअर कर लेंगे। फ़ोन हमारा ऑन ऑफ हो रहा था तो यहाँ पर पावर बटन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से ऑन ऑफ हो रहा था। तो अभी थोड़ा बहुत हमने लगा दिया अच्छे तरीके से पेट्रोल इसके ऊपर। अब यहाँ पर अच्छे तरीके से सुखा लेंगे, हमने ब्लोअर का इस्तेमाल करेंगे। तो जल्दी से हम ब्लोअर हीट करके 250 टेम्परेचर रखेंगे, 2 या 3 आप यहाँ पर एयर रख सकते हैं। तो 250 हमने सिंपल से इसका टेम्परेचर रखा है, अच्छे तरीके से सबको सुखा लेंगे। तो आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से क्लीन करना है, कुछ ऐसे प्लास्टिक पार्ट पर ओवर हीट नहीं करना फ्रेंड, ध्यान रखिएगा कि वो गल ना जाए। तो हल्के हाथ से या फिर मूव करते रहना है अपने ब्लोअर को, एक जगह स्टेबल नहीं रखना है। तो फास्ट हमने इसको अच्छे तरीके से सुखा लिया। साथ साथ यहाँ पर भी हमें वाटर देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर ध्यान रखना जो हमारा ऊपर का रिंगर स्पीकर, उस पर भी ओवर हीट ना हो, उसको भी टेम्परेचर को महसूस करके यहाँ पर हीट मारना है, नहीं तो अदरवाइज स्पीकर भी रिंगर भी ख़राब हो जाएगा कस्टमर का। तो ऊपर का सेक्शन मैंने अच्छे तरीके से क्लीन तो कर लिया, अब मुझे डाउट हो रहा है नीचे भी देख लेता हूँ, हो सकता है नीचे भी प्रॉब्लम हो, तो उसको भी अच्छे तरीके से देख लें यहाँ पर पानी है या नहीं है। तो नीचे का जो हमारा चार्जिंग सेक्शन का CC बोर्ड वगैरह था सब कुछ, वहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ अभी जस्ट। तो इसको ओपन करने के बाद हम आगे देखेंगे इसमें क्या है। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा पानी आ चुका है फ्रेंड, तो इसको भी मुझे अच्छे तरीके से क्लीन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पेट्रोल लगाकर अच्छे तरीके से इसको सूती कपड़े से कोसी भी अच्छे से इसको साफ़ कर लेता हूँ। और कनेक्टर में भी मैं देख पा रहा हूँ अच्छा खासा पानी आ चुका है, तो मुझे इस बोर्ड को भी बाहर करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बोर्ड बाहर किए हल्के में ये काम नहीं होने वाला, क्योंकि आगे चल के इस पर जैसे ही कनेक्टर पर टाइम बीतेगा पानी का असर रहेगा, यहाँ पर मॉइस्चर बनना स्टार्ट होगा और ये प्रॉब्लम धीरे धीरे इसके अंदर और भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले ही हम इसको अच्छे तरीके से बोर्ड को बाहर करके ब्लोअर की मदद से 250 टेम्परेचर हमने बताया था उसी टेम्परेचर पर अच्छे तरीके से इसको सुखा लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो हम यहाँ पर सुखाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं इस तरीके से। तो हमारा ये बोर्ड जो है वो भी सूख चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी पानी का असर दिख रहा है पेट्रोल, उसको अच्छे तरीके से हीट मार कर इसको भी हम सुखा लेते हैं। तो ध्यान रखें फ्रेंड, स्पीकर वगैरह पर ओवर हीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्लास्टिक मटेरियल होते हैं, पन्नी की तरह से लेयर होती है, वो तुरंत सिकुड़ जाएगा और स्पीकर हमारा फट के आवाज़ देना स्टार्ट कर देगा, या फिर आवाज़ ही नहीं आएगा, तो ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमने अच्छे तरीके से सुखा लिया है। ये रहा हमारा एंटीना कनेक्टर, इसको एंटीना कनेक्टर को अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर के कवर को भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर स्पीकर जो है जुगाड़ से जंपर के थ्रू लगाया गया, तो उसको भी ध्यान में रखना है कहीं वो डैमेज ना हो जाए। तो यहाँ पर हमने स्क्रू को कस लेते हैं, सब कुछ अच्छे तरीके से सुखा कर पैक भी कर लिया है। ठीक है फ्रेंड, तो फटाफट से हम सारे स्क्रू को
टाइट कर लेते हैं। तो फाइनली नीचे का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ऊपर का जो हमारा सेक्शन है, इसके ऊपर जो मेरा पत्रा था उसको भी अच्छे तरीके से लगा देते हैं। जो उसके ऊपर हीट सिंक था उसको हटाना नहीं है आपको। मैंने ऊपर का बोर्ड भी अच्छे तरीके से सुखा लिया है। अब इसको बोर्ड को भी कनेक्ट कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर हमारा फ़ोन जो है ऑफ ऑन हो रहा था, तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर जैसे मैं हीट कर रहा हूँ तो यहाँ पर बुलबुले आ रहे हैं पावर बटन के नीचे से। इसका मतलब इसके नीचे हमारा पानी हो सकता है। ऊपर वाले में तो नहीं आया, नीचे वाले से बुलबुले आए। तो आप देख सकते हैं हमारा पावर बटन में पानी था, इसकी वजह से फ़ोन हमारा ऑन ऑफ हो रहा था फाइनली। तो ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व आउट हो जाएगा। आगे से आने वाला प्रॉब्लम जो है अब वो नहीं आएगा, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से सुखा दिया। हर जगह जो भी पानी था सभी जगह से अच्छे तरीके से हमने सुखा दिया। ऊपर की दोनों बटन अच्छे तरीके से हैं, उसके अंदर पानी नहीं गया, लेकिन नीचे के जो पावर बटन है उसमें पानी गया। तो इसके लिए मैंने पेट्रोल से क्लीन करके स्क्रैच करके अच्छे तरीके से हीट मार देता हूँ, ताकि इसके आगे से भी कोई प्रॉब्लम पावर बटन या वॉल्यूम बटन में नहीं आएगा। साथ ही साथ बोर्ड में भी हमें अच्छे तरीके से हीट कर लिया है। अब इसको मैं फिट कर लेता हूँ, तो आगे फिट करके देखेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर जो हमारे इस पार्ट्स पे हमें अच्छे तरीके से हीट मार के सुखा लेना। आप देख सकते हैं जितने भी वाटर के पार्टिकल है सब हवा में उड़ जा रहे हैं हीट से, ठीक है। यहाँ पर भी गया, सारे कंपोनेंट के अच्छे तरीके से हीट से हमें सुखा लेना। अब यहाँ पर कैमरे को हम फिक्स करेंगे। दोनों कैमरे फ्रंट एंड बैक कैमरे को हमने फिट कर लिया है। अब यहाँ पर इसको बोर्ड को फिक्स करना है इजीली। तो ध्यान रहे फ्रेंड, एकदम सिंपल से हम ऊपर वाले जो बोर्ड है उसको अच्छे तरीके से फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये फिक्स हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा कैमरा पे हमारा लेमिनेशन लगा रखे हैं, कस्टमर जो कि इसका जो शीशा होगा वो टूटा होगा इसकी वजह से। एंटीना कनेक्टर को भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा एंटीना कनेक्टर कनेक्ट हो गया, और बैटरी को भी कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसके जो कवर इसको भी लगा लेते हैं इसके ऊपर का। तो फर्स्ट इसको हम कवर लगा लेते हैं, और इसके स्क्रू को भी टाइट कर लेंगे यहाँ पे। तो ऊपर का भी हमारा कनेक्टर इस तरीके से, जो कवर है उसको भी लगा लेंगे। सारे स्क्रू को जल्दी जल्दी से कस लेंगे यहाँ पे। तो फाइनली हमने सारा स्क्रू कस लिया। MI का 6A फ़ोन है, रेडमी MI 6A Xiaomi का है। हमने सारा स्क्रू को टाइट कर लिया। अब इसको पावर ऑन करके देखेंगे यहाँ पर ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा। तब तक हम, जब तक फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है तब तक हमें सारे इसके जो कवर है यानी ढक्कन है इसके ऊपर का जो हमारा पानी है उसको अच्छे तरीके से सुखा लेंगे। तो फाइनली इसको ब्लोअर भी दे देंगे हल्का सा, ओवर हीट नहीं रखना है फ्रेंड, नहीं तो हमारा वो कवर है वो डैमेज हो जाएगा। तो फाइनली ये ऑन हो गया है, और यहाँ पर टच भी वर्क कर रहा है अच्छे तरीके से। ऑन ऑफ की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हो गया है। हमारा आगे से कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने हर एक बोर्ड को अच्छे तरीके से सुखा लिया। वाटर डैमेज जो भी था सब कुछ अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर इसको सुखा लिया। तो इस तरीके से किसी भी वाटर डैमेज फ़ोन को, एंड्रॉयड वाटर डैमेज फ़ोन को ईजिली आप रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरीके से और भी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।